हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा पैराजंबल ट्रिक्स, और ये पैराजंबल ट्रिक्स फोर्थ कमिंग सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगी। जैसे भी SBI PO का एग्ज़ाम है जून में, और उसके बाद SBI क्लर्क है, IBPS PO के एग्ज़ाम्स हैं उसके बाद, तो इन सभी के लिए ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड करूंगा इंग्लिश सेक्शन के सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए। तो अभी मैं पैराजंबल ट्रिक कर रहा हूँ इस वीडियो क्लास में, उसके बाद आपका RC में डिस्कस करूंगा, क्लोज टेस्ट में डिस्कस करूंगा, और जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस में पार्ट बाई पार्ट इसमें डिस्कस करूंगा। तो इस पैराजंबल को हम देखेंगे, ये रियल पैराजंबल है, ये SBI PO का ही पैराजंबल है। इसको हम देखेंगे किस तरीके से पैराजंबल को सॉल्व किया जाता है, कि किस तरीके से करें हम उसको, कि कम से कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ इसको हम सॉल्व करें। तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए, और इस वेबसाइट पर, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है examinee.in, यहाँ पर आप मेरे फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक ये पैराजंबल है जो कि पूछा गया था SBI PO एग्जाम में, ये 2013 में पूछा गया था। तो इसी से मिलते जुलते पैराजंबल इस समय पूछे जा रहे हैं। कभी कभी ये काफ़ी लेंदी होते हैं, जैसे यहाँ पर दो लाइन दी हैं तो उसमें तीन या चार लाइन दी रहती हैं, और कभी कभी थोड़े से मॉडरेट लेवल के रहते हैं। तो ये एक्चुअली पैराजंबल होता क्या है, ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग का एक टेस्ट होता है, कि आप किस तरीके से लॉजिकली सोचते हैं, उसका ये टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो इसमें क्या करना होता है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस निकालना है, जो टाइटल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं। और फर्स्ट सेंटेंस निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फर्स्ट सेंटेंस निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसे सेंटेंसेस जो लॉजिकली फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, उनको इलिमिनेट एलिमिनेट किया जाए और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस तक पहुंचा जाए। तो इसमें एक मैंडेटरी पेयर का भी कॉन्सेप्ट होता है, कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ मैंडेटरी पेयर बनाते हैं और उसके बाद इस सेंटेंस को, इस पैराजंबल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है द ग्रुप, तो इसका मतलब ये है, देखिए किसी भी नाउन को जब हम पहले बोलते हैं तो पहले उस नाउन का हम नाम लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम में वो पर्टिकुलर नहीं रहता, सेकंड टाइम में वो पर्टिकुलर हो जाता है, तो उसके बाद फिर हम द लगाते हैं। जैसे पहले मैं बोलूँगा आई सॉ अ डॉक्टर, फिर मैं बोलूँगा द डॉक्टर वॉज MBBS, वॉज एन MBBS, तो पहले मैं ए बोलूँगा और उसके बाद मैं दा बोलूंगा। तो यहां पर दा ग्रुप आया है, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रेफरेंस पहले दिया गया होगा, दा ग्रुप यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए देन, देन वाला सेंटेंस क्या होता है, देन वाला सेंटेंस जिसमें देन लगा रहता है शुरू में, वो एक्सटेंशन होता है किसी का। देन द टीचर कैन एक्ट, देन द, और तब टीचर आ सकता है और एक्ट कर सकता है, इसका मतलब इसका एक रेफरेंस सेंटेंस जो होगा वो पहले होगा इसके, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए एजुटर डिसाइडेड द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ऑल एल्यूमनाई ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन दे फाउंडेड एजुटर टेक्नोलॉजी इन अगस्त 2009। ये सेंटेंस फर्स्ट हो सकता है, लेकिन आगे हम देखते हैं दे। अब इसमें प्रोनाउन दिया है, तो प्रोनाउन वाले सेंटेंसेस फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकते, दे एक प्रोनाउन होता है। देखिए यहाँ पर भी एक प्रोनाउन दिया है, विद दिस डिजायर, इस डिजायर के साथ, कौन सी डिजायर के साथ, इस डिजायर के साथ, तो वो डिजायर कौन सी है, उसके रेफरेंस पहले आना चाहिए, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। यहां पर देखिए अ मैकेनिक वर्क ऑन मोटर्स एंड एन अकाउंटेंट हैज हिज कंप्यूटर, यानी एक मैकेनिक के पास मोटर होती है या मोटर्स पर वो काम करता है, अकाउंटेंट कंप्यूटर पर काम करता है। लाइक वाइज, और उसी तरीके से, इफ अ स्टूडेंट हैज टू वर्क ऑन ए मशीन ऑफ डिवाइस, व्हाट शुड इट बी कॉल्ड, यदि जिस तरीके से मैकेनिक मोटर्स पर काम करता है, अकाउंटेंट कंप्यूटर पर काम करता है, उसी तरीके से यदि स्टूडेंट किसी डिवाइस पर काम करता है या करना हो उसको, तो उस डिवाइस का नाम क्या होगा। तो डेफिनेटली यहाँ से भी फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। तो पहले हम मैंडेटरी पेयर बनाते हैं। ठीक है, एजुटर डिसाइडेड द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ऑल एल्यूमनाई ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन दे फाउंडेड एजुटर टेक्नोलॉजी इन अगस्त 2019। ठीक है, ये इंजीनियर्स का एक ग्रुप था, द ग्रुप डिजायर्ड, देखिए यहां पर लिखा है ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की बात हो रही है, उसमें लिखा है द ग्रुप डिजायर्ड, यानी सी और ए का एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है। तो पहले मैं यहां पर सी लिखता हूं, फिर मैं ए लिखता हूं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस अभी हम देखते हैं कौन सा बनेगा। तो सी और ए का डेफिनेटली एक मैंडेटरी पेयर यहां पर
यहाँ पर बन रहा है सी और ए. द ग्रुप डिजायर टू एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस इन स्कूल्स विद एन इंटरेक्टिव डिजिटल मीडियम दैट कुड बी यूज विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम. उस ग्रुप ने पूरा जो टीचिंग प्रोसेस है, पूरा जो लर्निंग प्रोसेस है स्कूल्स में, उसको डिजिटलाइज करने की इसमें अटेम्प्ट किया है. द ग्रुप डिजायर, ग्रुप की इच्छा थी कि एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस किया जाए इन स्कूल्स विद एन इंटरेक्टिव डिजिटल मीडियम दैट कुड बी यूज विद इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम, जो क्लासरूम से बाहर भी यूज किया जा सके. ठीक है, अब देखिए द ग्रुप डिजायर्ड, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है विद दिस डिजायर. द ग्रुप डिजायर्ड, उसके बाद लिखा है विद दिस डिजायर, यानी ए के बाद ई सेंटेंस डेफिनेटली जुड़ेगा इसमें. ठीक है, यहां पर हमने जोड़ दिया ई. अब देखिए विद दिस डिजायर दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन. दे किसके लिए आया है? इंजीनियर्स के लिए आया है. दे क्रिएटेड अ सॉल्यूशन दैट डिजिटलाइजेज स्कूल टेक्स्ट बुक एंड अदर लर्निंग मटेरियल सो दैट स्टूडेंट नो लॉन्गर नीड टू कैरी एज मैनी बुक्स टू स्कूल एंड बैक एज बिफोर बट कैन एक्सेस स्टडी मटेरियल ऑन देयर टच स्क्रीन टैबलेट्स. यानी उन्होंने इस तरह के टच स्क्रीन टैबलेट्स डेवलप किए कि वहीं पर वो अपना पूरा काम कर सकते हैं, होमवर्क कर सकते हैं, क्लास वर्क कर सकते हैं, और उनको इतनी सारी बुक्स लाने की जरूरत नहीं है. वो केवल एक टैबलेट लाएंगे अपने स्कूल में और टैबलेट से पूरा काम हो जाएगा. बहुत सारी बुक्स उनको कैरी नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स एक वर्ड आया, स्टूडेंट्स एक नाउन आया है, तो स्टूडेंट को रिप्लेस करने के लिए यहां पर आया है दे कैन इवन टेक टेस्ट. वो टेस्ट भी दे सकते हैं. तो टेस्ट कौन देता है? स्टूडेंट देते हैं. इसके अलावा यहां पर दे भी आया है, तो दे किसके लिए आया है? स्टूडेंट के लिए. तो इसके बाद विद दिस डिजायर हमने ई लगा दिया, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इसके बाद हम डी लगा देंगे यहां पर. ठीक है, ये एसबीआई पीओ का रियल पैराजंबल हम कर रहे हैं. इसके बाद हम डी लगा देंगे, दे कैन इवन टेक टेस्ट, और उसके बाद देन द टीचर कैन एक्ट ऑन द डाउनलोडेड डेटा रादर देन कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड देयर बाय सेव हिज टाइम एंड एफर्ट. और उसके बाद टीचर क्या कर सकता है? जो डाउनलोडेड डेटा है उसको वो कलेक्ट कर सकता है, और सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग डेटा उसको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा. कहने का मतलब ये है, और वहां से वो चेक कर सकता है. देन द टीचर कैन एक्ट, तो यहां पर आ जाएगा आपका बी. ठीक है, अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा? फर्स्ट सेंटेंस हम इसको बनाएंगे एफ को, क्योंकि यहां से एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि अ मैकेनिक वर्क ऑन मोटर्स एंड अकाउंटेंट हैज हिज कंप्यूटर, लाइकवाइज इफ ए स्टूडेंट हैज टू वर्क ऑन ए मशीन ऑफ डिवाइस व्हाट शुड इट बी कॉल्ड. यहां से जैसे जैसे हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे में हम शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, कोई भी क्वेरी लिखते हैं, कोई भी प्रोवर्ब लिखते हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. तो यहाँ पर इस सेंटेंस से हम इस पूरे पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं. यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत तरीके से एक रेफरेंस पॉइंट इसमें दिया गया है. तो एफ हम बनाएंगे इसमें फर्स्ट सेंटेंस. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से. इस तरीके से पैराजंबल को करना होता है. कभी कभी देखिए कभी कभी काफ़ी टफ होता है तो नहीं हो पाता है, उसमें एक या दो सेंटेंस ही जुड़ पाते हैं. लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में मॉडरेट लेवल का पैराजंबल ही आपके एग्जाम्स में आएगा, और मॉडरेट लेवल के पैराजंबल को आप आसानी से कर सकते हैं, और ये हाई स्कोरिंग रहता है. यदि आपको आपसे सही तरीके से बन जाता है तो पूरा स्कोर इसमें आप कर सकते हैं. अब इसके बेस पर कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. जैसे जैसे यहाँ पर मैं करके बताऊंगा आपको, तो यहाँ पर तो हमको करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा इसमें अरेंजमेंट के बाद. तो फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है इसमें अरेंजमेंट के बाद? एफ है. लेकिन एफ कहाँ पर दिया है? एफ दिया है फोर में. तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा आपका फोर. ठीक है, ऐसे इनको निकालना होता है. थर्ड सेंटेंस कौन सा है? थर्ड है आपका ए. तो ए किस में दिया है? ए दिया है फाइव में, तो इसका आंसर होगा फाइव. फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? फोर्थ है ई, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड. सिक्स सेंटेंस कौन सा है आपका? सिक्स यानी लास्ट सेंटेंस. ठीक है, तो सिक्स सेंटेंस हो जाएगा आपका बी. और फिफ्थ सेंटेंस डी होगा, डी. तो ये हो जाएगा सेकंड. अब देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस मेक अ पेयर आफ्टर रीअरेंजमेंट. तो मेक अ पेयर, एक तो एफ सी ए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए ई. ए ई का एक पेयर बन रहा है, एफ सी ए ई. हाँ ठीक है,
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 यानी ए ई, और एक पेयर और पूछा है इसमें, तो एक पेयर हो जाएगा आपका एफ सी, एफ सी है, हाँ एफ सी है, एक पेयर बन जाएगा आपका एफ सी। तो इस तरीके से पैराजंबल को किया जाता है, पूरी तरीके से ये एक लॉजिकल एक्सरसाइज होती है। और एस बी आई पी ओ का एग्ज़ाम तो जून में है, 8 और 9 जून को प्री इसका एग्ज़ाम है, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। तो यदि इंग्लिश सेक्शन आपकी प्रॉब्लम है और इंग्लिश सेक्शन में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, हाई स्कोर करना चाहते हैं प्री में, मेंस में, डिस्क्रिप्टिव में, तो उसके लिए आप हमारे ये ई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस पी ओ के लिए कोर्सेज चल रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए, और ये सारे कोर्सेज इस वेबसाइट पर चलते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, जिसको आप लैपटॉप पर, मोबाइल पर, टैबलेट पर आप देख सकते हैं। तो इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से पेमेंट करने के 10 मिनट के बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाता है, और 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है, वहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। डेली वीडियो क्लासेस इसमें अपलोड होते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। तो ये मैं सीरीज स्टार्ट मैं कर रहा हूँ सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, और एट द सेम टाइम एसएससी के लिए भी सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डेली अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इसमें मैं पैराजंबल के बाद फिर दूसरे जो पार्ट्स हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और दूसरे जो पार्ट्स हैं, उनको मैं अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो क्लास को और इनको आप डेफिनेटली डेली देखिए, और इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, और इसको लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा ये पैराजंबल ट्रिक्स। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।